क्या अब देवरिया हत्याकांड के आरोपियों के घर पर चलेगा बुलडोजर? प्रेमचंद यादव का घर अवैध, कोर्ट ने दिया बेदखली का आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। देवरिया हत्याकांड में बुलडोजर कार्यवाही की चर्चा बहुत तेज है। इस हत्याकांड में पैमाइश के बाद तहसील कोर्ट ने प्रेमचंद के पिता समेत तीन आरोपियों को बेदखली का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि प्रेमचंद के वकील गोपीनाथ की माने तो इस आदेश के बाद वह डीएम कोर्ट में अपील करेंगे। गोपीनाथ के मुताबिक इसके लिए 30 दिन का समय होता है। अगर इसके पहले एक्शन यानी कि बुलडोजर कार्रवाई हुई तो यह कानून की अवहेलना मानी जाएगी। आपको बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव में आरोपियों के घर और जमीन की पैमाइश पूरी की गई, जिसके बाद तहसीलदार ने जुर्माना लगाकर बेदखली का आदेश जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि प्रेमचंद की आलिशान कोठी बंजर जमीन पर कब्जा करके बनाई गई है। प्रेमचंद पक्ष के वकील गोपीनाथ यादव ने कहा कि 5 फाइलों का मुकदमा था। 3 फाइल रामभवन यादव की है, वहीं 1 फाइल परमहंस यादव की है और 1 गोरख यादव की है। नोटिस में खालियान वन विभाग की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। आइए अब जानते हैं कि आरोपियों के वकील ने क्या कुछ कहा है। वकील गोपीनाथ यादव ने कहा कि तहसील कोर्ट ने एक तरफा फैसला सुनाया है, हमारे पक्ष का बयान उन्होंने लिया ही नहीं, ना ही रिपोर्ट करने वाले लेखपालों से जिरह करवाई। इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जाएगी। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि कोर्ट ने पूरी निष्पक्षता से जांच के बाद फैसला सुनाया है। राजस्व विभाग की टीम के साथ सरकारी जमीनों की पैमाइश कराई गई, वो भी 2 बार। पैमाइश के दौरान तहसील और SDM के साथ उनका पक्ष मौजूद रहा। जब मौके पर सुनवाई की गई तो जिरह का बयान का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें कि देवरिया के फतेहपुर गांव के लहरा टोला में बीते 2 अक्टूबर को जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गांव के सत्य प्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, फिर इसके प्रतिशोध में भीड़ ने सत्य प्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटियों और 1 बेटे समेत 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात के पहले से जमीनी विवाद चल रहा था। सत्य प्रकाश ने प्रेमचंद समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत कर रखी थी। हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया तो इस केस में प्रेमचंद समेत अन्य कई आरोपियों के घर की पैमाइश कराई गई। इस आदेश के मुताबिक रामभवन यादव का मकान खाली कराना होगा। उधर बेदखली के आदेश के बाद प्रेमचंद की बेटियों ने सरकार से मकान न गिराने की गुहार भी लगाई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।